मिठी से हैप्पी दिवाली हैप्पी दिवाली फिर से बोलना हैप्पी पाइस हैप्पी दिवाली हैप्पी पाइस हैप्पी दिवाली चलो मिठी ले चलो रख दे इसको ले चलो कर लो चलो देखें चलो बेटा तेरे तेलु सारा चीज़ है कलीसी से दे देना जो करना हो कहाँ रखा जाए इसको इसको बालकनी में रख देती हूँ मैं मेरी डोंट टच पकड़े ही हो बचा के किचन में कर दो हट जा मिठी हट जा यहाँ से फ्राई हो रहा हट हट लगेगा हट ना बनाया नहीं है बनाऊंगी थोड़ा एक बार ना कैमरा घुमाना हम लोग तीनों एक जैसा पहने हैं थोड़ा सा ये अरे भाई डिम लाइट में रोशनी ज्यादा अच्छा दिखता है ये बात क्यों नहीं समझते हो रीटू फोटो वोटो क्लिक करने के लिए थोड़ी देर के लिए जला सकते हैं क्या दिखा ले फोन में कितना अच्छा लग रहा है ये वाला कैसा लगा हमारी रंगोली सिंपल सा एक वहां भी हेलो मीठी हैप्पी दिवाली बोल दो हैप्पी दिवाली बोलो ठीक कम 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 मीठी कम मीठी कम नो साइकिल हैप्पी दिवाली नहीं मैंने ऐसे छोटा सा कहा डेढ़ कोई नहीं आया कम 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 तुझे कम मीठी पटाखा चला रही है उसे से चला रहा ना उसे से चला हाँ हो गया दोनों जल गया है देखे इधर देखे हैप्पी दिवाली हो गया
ये ना देख लो मीठी मीठी दे देखो लिए हैं फोटो उसी में मीठी मामा पास आओ मामा पास आओ ओ दे पापा क्या कर रहे हैं भागी भागी बापरे टीटी से हेलो दीदी मम्मा का हेयर स्टाइल किसे में दीदी मम्मा का कलर है आप चली 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 चलो मम्मा मेरी यूज चेक चलो मुझे लगा आपने एक सेकंड के लिए अपना फोन फेंक दिया अरे जलन तो ढंग से है ऐसे करोगे तो वहीं हटो इतना काय भाग रही हो तुम्हारे ऊपर नहीं फट रहा हो बड़ा तेज लगा कुछ जोर से झटका हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल और आप सभी को दिवाली की ढेर 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 सारी शुभकामनाएं तो दिवाली तो वैसे एंड हो गया नहीं सेलिब्रेशन खत्म हो गया रात के 1:30 बज रहे हैं अभी तो पहले इस बार का जो ब्लॉग है दिवाली का मैंने बहुत प्रॉपर शूट नहीं किया उसके पीछे बहुत सारे रीज़न हैं तो पहले मैं बता दूं ऐसे तो मैं क्लिप्स जो बनाए हैं वो मैं डाल दूंगी जिससे कि समझ में आए कि मैंने क्या किया था दिवाली पे और दूसरी बात ये है कि अभी मैं गई हुई थी स्टॉकहोम तो स्टॉकहोम के मेरे ब्लॉग्स जो हैं वो चल रहे थे एक्चुअली मेरे ब्लॉग्स जो है वो बहुत पीछे चल रहे हैं 10 या 12 दिन पीछे चल रहा है इसके पीछे रीज़न ये है कि वहाँ मुझे इतना घूम रही थी इतना बाहर जा रही थी कि मुझे बिल्कुल भी मौका नहीं मिल पा रहा था कि मैं एडिट करूं और पोस्ट कर सकूं और दूसरा ये कि यहाँ आने के बाद मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई तो फिर मतलब अभी जस्ट 2-3 दिवाली से 2 दिन पहले मैं यहाँ आई हूँ तो और यहाँ आने के बाद पता चला कि एक तो तबीयत ख़राब थी तो दिवाली में मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं पाई टाइम भी नहीं था तबीयत भी ठीक नहीं थी गला मेरा अभी भी ख़राब हुआ पड़ा है तो और यहाँ आने के बाद पता चला कि दिवाली हमें इस बार सेलिब्रेट करना भी नहीं है क्योंकि कुछ ऐसा होता है हमारे यहाँ कि मतलब हमारे ससुराल से मुझे मेरी सास से मुझे पता चला कि अगर कोई बच्चा होता है तो 10 दिन तक या 11 दिन तक जो है कोई पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं तो दिवाली में हम लोग सब कुछ कर सकते थे बट पूजा नहीं कर सकते थे अब पूजा नहीं कर सकते थे तो कोई मूर्ति नहीं ना जो पूजा सब कुछ होता है वो सब कुछ नहीं कर सकते थे बस सजावट कर सकते थे दिए जला सकते थे बाकी सब चीज़ें कर सकते थे तो वो तो मैंने पहले से प्रिपरेशन ज़्यादा कुछ नहीं किया था तो घर पे जो चीज़ें पड़ी हुई थी वो और कुछ चीज़ें मैंने बेसिक रंगोली वगैरह ला करके हल्का फुल्का घर जो है सजा दिया क्योंकि बिल्कुल मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी एक तो जब यहाँ से स्टॉकहोम गई थी तो मुझे 7 दिनों 8 दिनों तक प्रॉब्लम हुई वहाँ के रूटीन में आने में क्योंकि इंडिया के हिसाब से मेरा बॉडी क्लॉक चल रहा था और वहाँ से आने के बाद सेम यहाँ प्रॉब्लम हो रही है
जैसे कि 4 घंटे पीछे टाइम है स्टॉकहोम का, तो क्या हो रहा है कि रात के 2 बजे तक भी मुझे नींद नहीं आ रही है। अब वहाँ के अकॉर्डिंग जब 11 बजेगा रात के, तो वहाँ का 11 यानी कि यहाँ के रात के प्लस फोर करने से कितने हो गए, 2.5-3 बजे तक मुझे रात में नींद ही नहीं आ रही है। तो यही प्रॉब्लम हो रहा है, तो सुबह भी लेट नींद खुल रही है, तो इस वजह से दिवाली बहुत अच्छे से नहीं हुआ। लेकिन ये जो ब्लॉग है, मैं एक और बात ऐड कर रही हूँ, ये आप लोगों को पहले मिल जाएगा, क्योंकि मैंने सोचा कि 10-12 दिन का लेट चल रहा है तो मैं इतना लेट डालूंगी, तो मैं चाहती थी कि दिवाली का जो ब्लॉग है वो दिवाली पे मिल जाए, तो इसलिए ये वाला जो ब्लॉग है मैं डाल दूंगी, जो भी मैंने शूट किया है। तो अभी जो है, मैं हम लोग हर साल की तरह, जैसे आप मेरे पुराने दिवाली के वीडियोज़ देखोगे, हम लोग गए थे दीदी के यहाँ, तो पहले अपने घर में जो कुछ करना था दिए हुए जला दिए, और जो भी मतलब थोड़ा बहुत खा पी कर, यानी पकौड़े बनते हैं हमारे यहाँ आज के दिन, तो वो सब खा वा कर 9-9:30 बजे नीचे फिर गए। इस बार दिल्ली में बहुत पटाखे फूटे, दिल्ली मतलब मैं अपनी सोसाइटी की बोल रही हूँ, पूरे दिल्ली का नहीं पता मुझे, लेकिन 3-4 सालों से जो पटाखे नहीं फूटते थे, बहुत बहुत पटाखे फूटे, मतलब सिर्फ मेरी सोसाइटी में मैंने इतना देखा, बाहर पता नहीं क्या हो रहा होगा। तो हम लोग गए नीचे पटाखे, तो कुछ मतलब थोड़े बहुत फुलझड़ी थे वो सब जलाए हैं। उसके बाद फिर दीदी के यहाँ गए, वहाँ पर पत्ते वत्ते खेले हैं, खाए पिए, फिर पटाखे वटाखे फोड़े, करते करते रात के 1:30-1:30 बज गए। मीठी ने 1 पूड़ी खाया था, तो मीठी को मैंने जस्ट अभी डिनर कराया है, और ये इस मैडम का भी ऐसे ही चल रहा है, इससे भी दो रात हो गए ना, 2 रात से रात के 1:30 बजे के बाद सो रही है ये। मेरा भी सेम हाल है, इवन मम्मी का भी सेम हाल है। और हाँ, मम्मी अभी मेरे साथ ही हैं, मम्मी का कल जो है फ्लाइट है यहाँ से गांव जाने का, क्योंकि छठ पूजा करना है, तो मैं धीरे धीरे बताऊँगी आप लोगों को। तो उनका और उनका फास्ट था, तो वो भी गई थी साथ में, लेकिन वो पहले आ गई क्योंकि उनका फास्ट था, तो वो सो गई हैं आकर। अब हम लोग भी जा रहे हैं सोने, तो मैंने सोचा कि ब्लॉग एंड होने से पहले मैं थोड़ा सा एटलीस्ट क्लियर कर दूँ कि क्यों दिवाली सेलिब्रेशन हमेशा की तरह नहीं हुआ है, क्या है एग्जैक्ट, क्यों सूट नहीं किया मैंने सब कुछ, ये सारी चीज़ें। तभी मैंने सोचा कि चलो चेंज करने से पहले कम से कम आउटफिट वगैरह सब कुछ दिखा दूँ। तो बस अब सोने की तैयारी है, अब सोएंगे और मीठी को भी सुलाएंगे, क्योंकि उसे भूख लगी थी तो खिला दिया अभी। और मैंने ये ब्लू कुर्ता जो है, ये मैंने ऑर्डर किया हुआ था मिंत्रा से, तो दिवाली का शॉपिंग भी मैं कर नहीं सकती थी, क्योंकि आने के बाद मेरे हाथ में जस्ट 1 दिन बचता, तो मैंने ऑनलाइन ही मंगा लिया, तो ये मिंत्रा से मैंने ऑर्डर किया है। तो बाद में मैं इसका एक हॉल शूट कर लूँगी, जिससे कि आप लोग देख लेना कि क्या था, कैसा था, पसंद आएगा तो आप लोग ऑर्डर कर सकते हो, क्योंकि मुझे ये कुर्ता बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा प्राइस भी नहीं था, सिंपल सा, मतलब ज़्यादा कुछ प्राइस भी नहीं था, सिंपल भी है, हल्का भी है, और काफ़ी अच्छा है, काफ़ी फेस्टिव लुक दे रहा, अच्छा है। तो ये हो गया, अब मैं एक बार थोड़ा सा अपना एक रंगोली दिखा देती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैंने कितना शूट किया, क्योंकि जय के फ़ोन से मैंने घर का सब शूट किया है, तो मुझे नहीं पता कि रंगोली आया है कि नहीं आया है। थोड़ा सा मैं छोटी छोटी रंगोली मैंने बनाई थी, तो मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को। कॉफ़ी टेबल सेट किया है, और ये जो कैंडल है ये मैं स्टॉकहोम से लेके आई थी, इसका फ्रेग्रेंस जो है बहुत ही अच्छा है, और यहाँ इस तरह से मैंने कॉफ़ी टेबल सजा दिया था। और ये भी मैं लेकर आई थी स्टॉकहोम से ही, बहुत क्यूट सा है, इसको मैंने यहीं रख दिया था। ये हो गया घर कुछ ऐसा, ये मीठी बैठ कर को मिलन देख रही है, और सिंपल सा ही है, ज़्यादा कुछ नहीं। यहाँ मैंने कुछ इस तरह का सजाया था, ये कल गए थे तो रोड पे अच्छा लगा, इसमें का एक और है थोड़ा बड़ा है, मैंने दूसरे साइड रखा है, और ये सिंपल सा रंगोली बनाया था मैंने, और कुछ नहीं बनाया था, इसे बस इसे सजा दिया था। इन सब में कैंडल वैंडल जल रहे थे, ये था, और ये अभी दीदी के यहाँ गए थे तो वहाँ से ये गिफ्ट है, ये मीठी के लिए गिफ्ट है, दिवाली गिफ्ट। इस पर ज़्यादा कुछ मैंने किया था, सिंपल सा था, और एक रंगोली मैंने यहाँ बनाया था जो कि ऐसा है, ये बहुत सिंपल ही है, दिया जल रहा था तो और सुंदर लग रहा था, तो बस यही कुछ है हल्का फुल्का। दूध मेरा, हाँ दूध मैं थोड़ा भूल गई, अब बस थोड़ा सा मैं अपना पूजा स्थान दिखा देती हूँ। पूजा हमें करना नहीं था तो मम्मी ने पूजा कर दिया, तो पूजा कर दिया मैं इसकी, पुराना जो पिछले साल की लक्ष्मी गणेश जी हैं, तो मम्मी ने इस तरह से दिया हुआ जला दिया, प्रसाद में लड्डू मंगा दिया था, तो मम्मी ने बस ऐसे पूजा कर दिया, हम लोगों ने नहीं किया, बस प्रणाम वगैरह कर लिया। तो ये थी इस साल की दिवाली। तो आई होप आप लोगों की दिवाली बहुत अच्छी गई हो, और हैप्पी दिवाली अगेन। और मैं इस ब्लॉग को यहाँ पर एंड करती हूँ, और मैं देखती हूँ क्या क्या क्लिप्स हैं मेरे पास दिवाली के, तो वो मैं सारे इसमें ऐड कर दूँगी। और चलिए आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।